Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma और pre-rented property के investment की series में आज मैं आपको लेके आया हूँ सोना रोड पर आयरिस टेक पार्क में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ pre-rented office space के option जो कि exclusively हमारे पास है और बहुत ही अच्छे tenant है, new lease है और बहुत ही अच्छी ROI पर अपने को चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शन और ऑफिस स्पेस लीजिंग से रिलेटेड ऑप्शन हम लगातार अपने चैनल्स पर डालते रहते हैं। आपसे ऐसा कोई ऑप्शन मिस ना हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरिस टेक पार्क की। आयरिस टेक पार्क वॉज बिल्ट इन 2010। टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास 340,000 स्क्वायर फीट का एरिया निकल कर आता है, जिसमें कि आपको तीन टावर्स मिलते हैं। एक टावर जो मेरे बिल्कुल सामने अगर आप देख रहे हो तो ये मेन टावर है, उसके अलावा जो दो टावर्स है उसमें से ये आपका बी टावर है और वो आपका ए टावर बन जाता है वहाँ पर सामने। सो कुल मिला के यहाँ पर आयरिस के पास तीन टावर्स है, जिसमें कि कम्बाइंडली 3.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया निकलता है। ग्राउंड फ्लोर पर जो एरिया है वो आपका फ्रंट का एरिया रिटेल के पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक से लेकर खाने पीने की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको विद इन अ कैंपस ही मिल जाता है। तो जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनको खाने पीने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो विद इन द कैंपस ही सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। फ्लोर की बात करूं तो इसमें टोटल आपको G+10 का स्ट्रक्चर मिलता है। पर फ्लोर प्लेट इसमें आपको 35,000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। तीन लेवल की इसमें बेसमेंट मिलती है, तो एम्पल कार पार्किंग्स की फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलती है। 24/7 ये वर्किंग बिल्डिंग है, तो ऐसे टेनेंट जिनका जो मेजर काम होता है रात को होता है, तो उन टेनेंट्स के लिए भी ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है। इस वजह से ही शायद यहाँ पर 80-90% ऑक्यूपेंसी है इस बिल्डिंग के अंदर। मेन सोहना रोड पर ये बिल्डिंग लोकेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हो सामने आपका सोहना रोड पड़ता है, जहां से आपका जो एंट्रेंस है इस बिल्डिंग के लिए मिलता है। जब से सोहना रोड आपका डेवलप हुआ है, ढंग से थोड़ा सा वाइडनिंग हुआ है और यहाँ पर आपको फ्लाईओवर मिला है, उसके बाद से यहाँ पर जो ट्रैफिक की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी सोहना रोड पर मेजरली, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है, जिसकी वजह से अगेन अब जो टेनेंट्स है वो यहाँ पर स्पेस हंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिटेल आपकी आयरिस टेक पार्क के बारे में। अब बात करते हैं अवेलेबल प्री रेंटेड ऑप्शंस के बारे में। इस टावर के अंदर हमारे पास 2-3 प्री रेंटेड ऑफिस स्पेस के ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आपको जैपनीज टेनेंट मिलते हैं। नई लीज है, बहुत ही अच्छा टेनेंट है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है टेनेंट की और बहुत ही अच्छे रेंटल पर ये लीज साइन हुई है। और इसमें अगर ROI की बात करूं तो जो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो लगभग आपको जो खाली प्रॉपर्टी का प्राइस है उस प्राइस पर ये प्रॉपर्टी मिलती है। उसके साथ साथ भी हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन आते जाते रहते हैं, क्योंकि लगातार इसमें लीज चलती रहती है, तो प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन हमारे पास आते जाते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ भी गुड़गांव की अलग लोकेशन, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो या हुडा सिटी सेंटर के पास वाली बिल्डिंग्स हो, उसमें भी हमारे पास प्री रेंटेड ऑफिस स्पेस के ऑप्शंस लगातार रहते हैं और रिटेल ऑप्शंस भी हमारे पास रेंटेड के रहते हैं, जिसमें कि हमारे पास मैकडी, हल्दीराम, डोमिनोज, क्रोमा जैसे टेनेंट आपको प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट में मिल जाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट आयरिस टेक पार्क दैट इज़ लोकेटेड ऑन सोहना रोड। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है प्री रेंटेड से लेकर, अगर आपका बजट है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जो कि हम आपको दे सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।